हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग माप तोल की कुछ पद्धतियाँ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, पाउंड, ओस, ये सब किसके कितने बराबर होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्राम जो है 1000 मिली ग्राम के बराबर होता है। ठीक, एक ग्राम जो है 1000 मिली ग्राम के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। और एक शेर की बात करें तो एक शेर मतलब कितने के बराबर होता है। तो एक शेर जो है 1 केजी के बराबर होता है। ठीक, एक शेर का उपयोग मतलब इसका मतलब क्या है, तो 1 केजी। अगर बात करते हैं 1 क्विंटल कितने केजी के बराबर है, तो 1 क्विंटल जो है 100 केजी के बराबर होता है 1 क्विंटल। अगर बात करें कि 1 टन यानी 1 टन में कितना क्विंटल होगा, तो 1 टन में जो है 10 क्विंटल होता है। बात को आपको ध्यान रखना है, 1 टन में 10 क्विंटल होता है। अगर बात करें कि 1 पाउंड, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है। 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम। ठीक, 1 औंस की बात करें तो 1 औंस में कितना होता है, तो 1 औंस में 28 ग्राम होता है। 1 औंस 28 ग्राम के बराबर होता है। अगर बात करें कि 1 अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर से HP बोलते हैं, कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, बात करते हैं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। अब बात करते हैं कि 1 कैरेट, 1 कैरेट जो है कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 कैरेट जो है 0.2 ग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। अगर 1 कैरेट की बात करेंगे तो 0.2 ग्राम के बराबर होता है। तो माप तोल की ये कुछ पुरानी पद्धतियां थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, जैसे कि ले लीजिए 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होगा, तो 1000 मिलीग्राम के बराबर होगा 1 ग्राम। बात करते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। एक शेर 1 केजी के बराबर होता है। 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है। 1 टन जो है 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 पाउंड 450 ग्राम के बराबर होता है। 1 औंस जो है 28 ग्राम के बराबर होता है। 1 अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।